PSL की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे MTT न्यूज चैनल को और इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले ताकि दोस्तों आपको हमारी आने वाली सभी PSL की ताजा खबरों की जानकारी आपके फोन पर मिल जाए। साथियों, आज भाई रविशंकर गौतम जी, रामदेव गौतम जी और शुक्ला जी और मैं एडवोकेट अमित कर सुप्रीम कोर्ट आए। जैसा कि पिछली कई वीडियो में हम लोग लगातार बता रहे हैं कि अब एक नई रणनीति के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं और इस रणनीति में सीनियरों के लिए भी जो लोग साथ नहीं दे रहे हैं बहुत बड़ा शिकंजा हम लोग कसने वाले हैं। मैनेजमेंट जो हमारा सही सही साथ नहीं दे रहा है और ये नहीं बताने को तैयार है कि पैसा कब तक मिल जाएगा। और इसके आगे जैसा कि हम लोग कह चुके हैं कि रास्ता सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा, तो उसके लिए आइए आज हम कुछ बात करेंगे तो मैं आपको काफ़ी सारी जानकारी दूंगा और इसी के लिए वीडियो आप पूरा देखिएगा। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अमित गर्ग आज सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ हमने जैसा कि बताया कि अनिल चौधरी से मुलाकात की, फिर हमने कई वकीलों से बात की और PSEL के मैटर्स को लेकर कि लोग परेशान हैं इतने, आखिर इनका पैसा कैसे मिलेगा, तो कई वकीलों से हमने बात की, अलग अलग उनकी प्रतिक्रिया जाननी। तो साथियों, ये बात तो तय हो गई क्योंकि इसमें काफ़ी सारे देश के इन्वेस्टर परेशान हैं तो PIL तो इसमें डल जाएगी, जनहित याचिका। उसके लिए आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हमें थोड़ी सी सक्रियता रखनी होगी, हमें सुप्रीम कोर्ट आना भी पड़ेगा, तो उसके लिए आप तैयार रहें। तो हम बहुत जल्द आपके सामने, जो जो लोग हमारे साथ इस PIL में शामिल होना चाहते हैं, वह किसी भी जिले से हों, किसी भी स्टेट से हों, आप हमारे संपर्क में रहें। बहुत जल्दी हम लोग सभी के नंबर, भाई रामदेव गौतम जी मथुरा से, रविशंकर गौतम जी मुरादाबाद से, शुक्ला जी लखनऊ से, मैं अमित गर्ग फिरोजाबाद से और जो लीडर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, और बहुत जल्द हम एक जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट में लगाने वाले हैं और उस पर क्या सुनवाई आती है, क्या तारीख मिलती है, वो बात की विषय है, लेकिन PIL जरूर लगेगी आने वाले समय में और ये निश्चित होगा कि मैनेजमेंट से हम पैसा लेंगे, कोर्ट से पैसा लेंगे और हार नहीं मानेंगे। तो साथियों, दोबारा नए जोश के संग आप तैयार हो जाओ और इस प्रक्रिया में हम सेबी पर भी एक धरने का जरूर रखेंगे क्योंकि सेबी पर भी दबाव बनाना बहुत जरूरी है। तो आगे आप इसी तरह से अब हमारे संपर्क में रहिए क्योंकि ये एक बहुत लंबे समय से हम लोग खामोश थे, लेकिन अब दोबारा से हम लोगों ने रणनीति पर काम करने का निश्चय कर लिया है। बस यही कहूंगा, आप हमारा साथ दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आए हुए हम, कल मीटिंग थी, 17 तारीख को मुरादाबाद में मीटिंग है, लगातार हम लोग मीटिंगें इसी तरह से कर रहे हैं। आज दिनांक 17/3/2020 को एक बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत की गई, मुरादाबाद से रविशंकर गौतम, उत्तर प्रदेश, मैं सभी लोगों को साथ लेके जो हमारे साथ बहुत दूर दूर से यहाँ यंग्स आए हैं, कुछ काशीपुर से, कुछ उत्तरपुर से, कोई बाजपुर से और बिजनौर से और मुरादाबाद से काफी यंग्स ने, हल्द्वानी, बिलासपुर, अमरोहा, लालकुआ, सभी लोगों ने हमें सहयोग दिया है और हम इनसे वादा करना चाहते हैं कि जैसे आपने सहयोग दिया है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये संगठन मजबूती के साथ और बहुत जल्दी आपको ये पैसा भी दिलाएगा, क्योंकि अब तक हम लोग सब एक नहीं हो पा रहे थे, आज ये विश्वास हो चुका है कि हम बहुत जल्दी इस ऊंगी बहरी मोदी सरकार से पैसा ले लेंगे और एक नया संगठन का नाम बहुत जल्दी हम देने जा रहे हैं। हो सकता है कि अगली जो मीटिंग की जाएगी वो 31 मार्च को रखी गई है कि उसमें हम नए संगठन का नाम भी दे देंगे और कुछ नियम जो हमने लागू किए हैं वो भी कर देंगे और आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट में पार्टी भी बनेंगे। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने बहुत होश हवास के साथ खुश रह के हमने जैसे पैसा जमा किया था वही हम ये चाहते हैं कि पैसा दिलाने में भी हम खुश रह के, और हम पैसा गवर्नमेंट से लेना भी जानते हैं, जैसे हमने जमा किया है भंगू मंडली को वैसे हम गवर्नमेंट से भी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने वादा किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में पार्टी भी बनेंगे और इस संगठन को इतना मजबूत करके चलेंगे कि 2020 में अपना पैसा ले लेंगे।
तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि पूरे भारत से कि इस मिशन को जितना आप आगे बढ़ा सकते हैं इस मिशन को आगे बढ़ाइए, ताकि इस मिशन में कोई भी आपको धोखा नहीं मिलेगा, कोई भी आपको अंधविश्वास नहीं मिलेगा। पूरा विश्वास के साथ रविशंकर गौतम कहना चाहता है कि सभी लोगों को साथ में लेके और आप लोग मुझे पूर्ण सहयोग देंगे तो मैं आपसे वादा करना चाहता हूं इस गूंगी बहरी सरकार से 2020 में पैसा ले लूंगा। यह तो ये सरकार रहेगी या पीली पल्स लोगों की सरकार रहेगी, मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। भारत माता की, भारत माता की, इंसाफ लेकर रहेंगे, इंसाफ लेकर रहेंगे, इन गरीबों का पैसा लेकर रहेंगे, इन गरीबों का पैसा लेकर रहेंगे, इस मोदी सरकार से छुपके पैसा लेकर रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अमित गर्ग आज सुप्रीम कोर्ट में, और यह हमारे काफ़ी रिक्वेस्ट और इन्वेस्टर्स के हक के लिए, जैसा कि हमें पता है कि एक्स डायरेक्टर PACL माननीय अनिल चौधरी जी पहले भी प्रयास किया, लेकिन जो भी हो रहा हो क्योंकि वो डायरेक्टर थे तो हम लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाए, लेकिन आज फिर हमारे बुलावे पर, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं हद से ज़्यादा और कोई भी सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा इस इन्वेस्टर्स के लिए, तो हमारे बुलावे पर या सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, हमारी काफ़ी हेल्प करने का उन्होंने फिर से वादा किया है, क्योंकि हमें ट्रस्ट तो किसी ना किसी पर करना ही पड़ेगा। तो आइए हम सीधे बात करते हैं, रविशंकर जी, रामदेव गौतम जी सब मौजूद हैं और मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट से, आप देख सकते हैं हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं और मैं उनसे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये अब आप सोचिए, यदि उनके मन में जरा भी होता तो हमसे बात नहीं करते, हमारे किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते, जैसा कि आज मैनेजमेंट पूरी तरह से बच रहा है, तो क्या इतना काफी नहीं है कि अनिल चौधरी जी पर हम ट्रस्ट कर सकें? तो चलिए आइए हम बात करते हैं उनसे। नमस्कार चौधरी जी, चौधरी साहब। सर, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं सर, PSL के इन्वेस्टर्स के लिए जो भी आप कर सकते हैं, जो भी सॉल्यूशन हो, किस तरह से आप हमारा साथ दे सकते हैं तन मन धन से, सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा। तो आप सबके साथ ही हूं, पहले भी साथ ही था। आप कोशिश करो, जैसी जैसी कोशिश आपकी आगे बढ़ेगी मैं तो आपके साथ ही करूँ। जी सर, सर हम ये चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए अभी तक किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल नहीं करवा, क्या उसके लिए कोई रास्ता बताएंगे कि यहाँ से हमारी PIL दाखिल हो जाए, हम लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कितनी संख्या में आ जाए, जिससे कि हमारे ऊपर इस देश का पूरे का ध्यान जाए, यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अमित गर्ग जी, आप खुद एडवोकेट हैं, किसी अच्छे एडवोकेट को आप तैयार कीजिए PIL फाइल करने के लिए, उसके थ्रू PIL फाइल कीजिए और फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या हो। तो सर इस पर PIL फाइल तो हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल हो सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज का मामला है तो PIL तो जरूर फाइल हो सकती है। जी, तो आपने सुना कि इस पर PIL भी फाइल हो जाएगी और बहुत जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट के बगल से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी। इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जी जी, PIL फाइल करें तो इसमें कंपनी के फेवर की चीजें लिखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी ही आप लोगों को पेमेंट वापस करेगी। अगर इस गवर्नमेंट मशीनरी में पैसे फंस के रह गए, कभी किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा और आप लोग ब्लेम करते रहेंगे कंपनी पे, और कंपनी सोचती रहेगी हम लोगों ने जिनके ऊपर भरोसा करके इतना सब कुछ कंपनी बनाई और आगे किया, वही लोग आज हमारे साथ नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि कंपनी के साथ खड़े रहें, कंपनी के फेवर की चीज़ें आप कीजिए। कहीं ना कहीं कंपनी अगर ज़मीन बेचेगी तो उसमें आप ही सभी लोगों का हित है, कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर भी भरोसा करें, मैनेजमेंट अच्छी थी, अच्छी है और आगे भी आप लोगों के फेवर के काम करती रहेगी। तो ये थे अनिल चौधरी जी और आज हम लोग यहाँ मिलने आए इनसे और सारी वार्ता की, तो मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि जिस तरह से हमारे बुलावे पर यहाँ पर आए और इन्होंने हमसे बात की, बचे नहीं, नजरें नहीं चुराई इन्वेस्टर्स के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि आगे रास्ता सुलभ होगा। और PIL की, जैसा कि हम लोगों ने कहा है कि हम PIL जरूर डालेंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कम से कम 1,00,000 की संख्या में यहाँ लोग आएंगे इन्वेस्टर्स। तो एजेंट सभी सीनियरों से, सभी स्टेट से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा साथ दीजिए और अधिक से अधिक संख्या में जब भी हम बताएं आप सुप्रीम कोर्ट आइए। जय हिंद, जय भारत। आज दिनांक 17/3/2020 को एक बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत की गई, मुरादाबाद से रविशंकर गौतम, उत्तर प्रदेश। मैं सभी लोगों को साथ लेके, जो हमारे साथ बहुत दूर दूर से यहाँ यंग्स आए हैं, कुछ काशीपुर से, कुछ उत्तरपुर से, कुछ बाजपुर से और बिजनौर से और मुरादाबाद से काफी यंग्स उन्हें हल्द्वानी, बिलासपुर, अमरोहा, लालकुआ, सभी लोगों ने हमें सहयोग दिया है। और
हम इनसे वादा करना चाहते हैं कि जैसे आपने सहयोग दिया है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये संगठन मजबूती के साथ और बहुत जल्दी आपको ये पैसा भी दिलाएगा, क्योंकि अब तक हम लोग सब एक नहीं हो पा रहे थे। आज ये विश्वास हो चुका है कि हम बहुत जल्दी इस ऊंगी बहरी मोदी सरकार से पैसा ले लेंगे और एक नया संगठन का नाम बहुत जल्दी हम देने जा रहे हैं। हो सकता है कि अगली जो मीटिंग की जाएगी वो 31 मार्च को रखी गई है कि उसमें हम नए संगठन का नाम भी दे देंगे और कुछ नियम जो हमने लागू किए हैं वो भी कर देंगे और आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट में पार्टी भी बनेंगे। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने बहुत होश हवास के साथ खुश रह के हमने जैसे पैसा जमा किया था वही हम ये चाहते हैं कि पैसा दिलाने में भी हम खुश रह के, और हम पैसा गवर्नमेंट से लेना भी जानते हैं, जैसे हमने जमा किया है भंगू मंडली को वैसे हम गवर्नमेंट से भी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आज हमने वादा किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में पार्टी भी बनेंगे और इस संगठन को इतना मजबूत करके चलेंगे कि 2020 में अपना पैसा ले लेंगे। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि पूरे भारत से कि इस मिशन को जितना आप आगे बढ़ा सकते हैं इस मिशन को आगे बढ़ाइए, ताकि इस मिशन में कोई भी आपको धोखा नहीं मिलेगा, कोई भी आपको अंधविश्वास नहीं मिलेगा। पूरा विश्वास के साथ रविशंकर गौतम कहना चाहता है सभी लोगों को साथ में लेके और आप लोग मुझे पूर्ण सहयोग देंगे तो मैं आपसे वादा करना चाहता हूं इस गूंगी बहरी सरकार से 2020 में पैसा ले लूंगा। या तो ये सरकार रहेगी या पीली पल्स लोगों की सरकार रहेगी। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंसाफ लेके रहेंगे, इंसाफ लेके रहेंगे, इन गरीबों का पैसा लेके रहेंगे।